हाय एवरीबॉडी, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अपने घर में अच्छे होंगे और खुशहाल होंगे। सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु ने बहुत सारे प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए हैं और इसने हम सबको अंदर से झकझोर दिया है कि एक यंग लड़का छोटे शहर से आया हुआ इस तरीके का हादसा उसके साथ हो जाता है। और मैं सोशल मीडिया को कंटिन्यूस देख रहा हूँ और एक शब्द जो मैं बार बार सुनता हूँ वो है नेपोटिज्म का। लेकिन मुझे नहीं लगता ये नेपोटिज्म है। नेपोटिज्म में आप भाई भतीजावाद, आप अपने बेटे के लिए क्या करते हैं, आपका पैसा है, आप काले चोर पे लगाएं, गधे पे लगाएं, अपने बेटे पे लगाएं, ये आपकी मर्ज़ी है। ये मसला इससे बहुत बढ़ के है और जो मैं आपको कहानी बताने वाला हूँ वो मेरी खुद की आप बीती है। इट्स माई पर्सनल एक्सपीरियंस जो मेरे साथ हुआ था आज से 20 साल पहले। ये मामला एक काटल का है, एक माफिया का है, जो कि बहुत समय से बॉलीवुड इंडस्ट्री में चला आ रहा है। 2000 की बात है, 98 से लेके 2003 के बीच में मेरी मदर जो है वो ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज थी महाराष्ट्र की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की। और ऑफ कोर्स सब लोगों से पहचान थी, जान पहचान थी, लोग आते थे जाते थे, अपना काम कराते थे। और उसी में हमारी जान पहचान इंडस्ट्री के एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर जम्मू सुगन जी से हुई। जम्मू सुगन जी ने उस वक्त में अपने दौर में बहुत बड़ी बड़ी फिल्में बनाई थी, जैसे कि लगान आशुतोष गोवारिकर के साथ, हम दिल दे चुके सनम संजय लीला बंसाली जी के साथ, राकेश मेहरा के साथ अक्स, मनी रत्नम के साथ बॉम्बे, रंगीला राम गोपाल वर्मा के साथ चाची 420, उनकी एक पिक्चर बन रही थी एम एफ हुसैन साहब के साथ में गजगामिनी, फिलहाल मेघना गुजार के साथ, इतनी बड़ी बड़ी वो पिक्चरें बना रहे थे और अपना मुकाम उन्होंने बहुत बड़ा, अपना कद अपना इंडस्ट्री में बहुत बड़ा बनाते चले जा रहे थे। और हम उनके ऑफिस भी जाते थे उस वक्त में, तो जब हम उनके कभी ऑफिस जाते थे वो मैं अपनी सीट छोड़ के मेरी माँ को अपनी सीट पर बिठा देते थे और एम एफ हुसैन साहब बगल में बैठे होते थे। मैं उस दौर की बात कर रहा हूँ। और खैर जैसा होता है आपस के रिलेशंस में, जम्मू सुगन साहब को जब भी कोई दिक्कत होती थी, कोई काम होता था, वो हमसे बोलते थे और काफ़ी हमसे काम कराते थे। उन्होंने अपनी पिक्चर जो है लगान, उसका जो टैक्स फ्री है वो भी मेरी माँ से कह के ही करवाया, जो कि राजमाता सिंधिया से कह के मेरी मदर ने करवाया। उसके अलावा उनका जो भाई है हरीश सुगन साहब, वो भी एक कोई बड़ी मुसीबत में पड़ गए थे और वो भी दिक्कत जो है उन्होंने मेरी मदर से कह के ही अपनी मदद करवाई। तो खैर इस तरीके का एक रिश्ता था आपस में, वो मेरी माँ को माँ मानते थे, मेरे को अपना छोटा भाई मानते थे। ये जम्मू सुगन साहब एक दिन इन्होंने कोई पिक्चर बनाई हम किसी से कम नहीं अफजल खान के साथ में, और इस पिक्चर में बड़े कलाकार थे अमिताभ बच्चन, संजय दत्त, अजय देवगन, ऐश्वर्या राय। और ये पिक्चर पता नहीं किसी कारणवश किसी कॉन्ट्रोवर्सी में पड़ गई और पिक्चर एक सुपर फ्लॉप हो गई। एक पिक्चर के सुपर फ्लॉप होने के बाद में एक आदमी जिसका इतना बड़ा कद था, जिसने इतनी बड़ी बड़ी पिक्चर बनाई थी, वो एक सेकंड में ख़त्म हो गया और हमारे को पहले विश्वास ही नहीं हुआ। और वो अपने घर में थे, ऑफिस में ताला लग गया था और मैं घर में जब उनको देखने के लिए जाता था तो घर में भी उनके एक अंधकार छाया हुआ था, उनके सिर के बाल खड़े हुए थे, आंखें बाहर निकल आई थीं और बड़े परेशान थे। खैर मैं एक दिन उनसे, उन्होंने मेरे को कहा मेरे को तुमसे कुछ काम है, मेरे से मिलने आओ। मैं उनसे मिलने गया और वहाँ राम गोपाल वर्मा साहब भी बैठे थे बाहर। उन्होंने कहा अंदर चल के मेरे को तुमसे बात करनी है। अंदर चल के उन्होंने मेरे को बोला कि मैं इंडस्ट्री का इतना बड़ा आदमी हूँ और इस तरीके से मेरे को प्रॉब्लम हो गई है, मैं चाहता नहीं इंडस्ट्री में कोई बात हो, ये मेरे को फाइनेंस तुम थोड़ा बाहर से अगर दिला दो तो बड़ा अच्छा होगा। और इंडस्ट्री को तीन इक्के चलाते हैं, ए ऑफ पॉलिटिक्स, ए ऑफ मूवीज एंड ए ऑफ कॉर्पोरेट वर्ल्ड। अगर तुम ए ऑफ पॉलिटिक्स से बात कर लो तो शायद मेरा काम बन जाए। तो मुझे बड़ा अजीब लगा, मैंने कहा मुझे तो लगता था कि आप इंडस्ट्री चलाते हैं, मुझे नहीं पता था कि इंडस्ट्री कोई और चलाता है। तो खैर हम लोग घर गए, विचार विमर्श किया और एक दिन मैंने ए ऑफ पॉलिटिक्स से अपने एक अंकल हैं जो कि बड़े नेता हैं उनसे कह के उनसे मीटिंग फिक्स कराई और मैं दिल्ली गया उनसे मिलने के लिए।
15-20 लोग बैठे हुए थे उस जगह पे, जैसे अक्सर होता है नेताओं के घर। और मैंने कहा कि मैं आपसे अकेले में बात कर सकता हूँ, तो कहते हैं नहीं नहीं सबके सामने बोलो, क्या बात है। तो मैंने कहा कि ऐसे आपके इंडस्ट्री में एक बहुत बड़े आदमी हैं, उन्होंने अपना बहुत बड़ा मुकाम बनाया है, बहुत बड़ा ब्रांड बनाया है, मैं उनकी अर्ज़ी लेके आपके पास आया हूँ, अगर वो कहते हैं कि आप ही हैं जो उनकी मदद कर सकते हैं। तो मेरे को एक तिरस्कृत नगाहों से देखा, चारों तरफ देखे, फिर सबसे बोले, देखो बड़े बड़े लोग इंडस्ट्री के कैसे हमारे दरबार में आते हैं हमसे मदद मांगने के लिए, कैसे हम उनको जोकर समझते हैं, कैसे हम उनको कहते हैं उठ जाओ तो उठ जाओ, बैठ जाओ तो बैठ जाओ, कैसे हम उनको नचाते हैं। इस तरीके की काफ़ी घटिया बातें वो उस व्यक्ति के बारे में उन्होंने की। फिर वो अपनी जो आसपास के लोग हैं उनकी तूती बजाने लगे कि देखिए महानायक कितने बड़े हैं, हम लोग कैसे इंडस्ट्री को कैसे चलाते हैं, महानायक का क्या कद है इंडस्ट्री में। और इसी तरीके से इंडस्ट्री के एक दो जो संभ्रांत परिवार हैं उसके बारे में भी वो तारीफ़ के पुल बांधने लगे। खैर मुझे समझ में नहीं आया, मैंने कहा मैं तो इस व्यक्ति से मदद मांगने आया था और ये जिसका मैं प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ उसको जलील कर रहा है, इसलिए इसका मतलब ये मेरे को भी जलील कर रहा है। तो हम तो 20 साल पहले बिल्कुल ही यंग थे और दिमाग एकदम घूम जाता था। तो मैंने कहा कि सर अगर आपकी सारी बात हो गई हो तो दो शब्द मैं भी आपसे कहना चाहूँगा। तो कहते हैं बोलो। मैंने कहा वेल आप जिन महान नायक की तारीफ़ कर रहे हैं उनकी तारीफ हम भी करते हैं, उन्होंने अपना जो मुकाम हासिल किया उसकी हम रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन वो महानायक भी अपने दौर में इंदिरा गांधी की चिट्ठी लेकर आए थे और उस चिट्ठी को लेकर आने के बाद उन्होंने एक के बाद एक के बाद एक 10-15 फ्लॉप दी, उसके बावजूद उनको फिल्म इंडस्ट्री में काम मिलता चला गया और उसके बावजूद उनको महमूद साहब ने अपने घर में जगह दी और नरगिस जी और ऐसे बड़े बड़े दिग्गज परिवारों ने उनको पेट्रनेज दी। मैंने कहा इसलिए दी क्योंकि वो इंदिरा गांधी की चिट्ठी लेकर आए थे। और जहाँ तक आप हैं, आप भी किसी बहुत सम्रांत पढ़े लिखे परिवार से नहीं पैदा हुए, पेट से आपने भी अपना मुकाम खुद अपना हासिल किया है, आप और आपने भी बहुत सारे गुल खिलाए हैं जहाँ तक पहुँचने के लिए। खैर इस तरह की मैंने बात की जो उनको अच्छी नहीं लगी, वो उठ के खड़े हो गए, मैं भी उठ के खड़ा हो गया। और बस इस वाक्य के कुछ समय बाद मेरे को पता चला वो मेरी माँ से मिले, बड़ी अच्छी बात हो रही थी और उनको बाद में पता चला मैं उनका बेटा हूँ, तो मेरी माँ से भी उखड़ गए और बस ये मेरी माँ की और मेरी उनसे आखिरी मुलाकात थी। लेकिन इस इंसिडेंट ने मेरा दिमाग क्लियर कर दिया कि ये इंडस्ट्री में एक काटले और एक माफिया है जो इस इंडस्ट्री को चलाता है। और दुख की बात यह है इसके कुछ समय बाद जम्मू सुगन जी की मृत्यु हो गई। कट टू 20 साल बाद मैं अपने घर में हूँ, COVID-19 कोरोना एपिडेमिक पूरी दुनिया ग्रस्त है और सुशांत सिंह राजपूत भी अकस्मात तरीके से उनकी मृत्यु हो जाती है और मैं देखता हूँ कि लोग एक उभरते हुए कलाकार को जितना टैलेंटेड था जितना ब्रिलियंट था उसको किस तरीके से लोगों ने आइसोलेट किया, किस तरीके से उसके बारे में लिखा ही इज़ अनप्रोफेशनल, ही इज़ अ वोमनाइज़र, ही इज़ नॉट पंक्चुअल, इस तरीके की घटिया एलिगेशंस उस बच्चे के ऊपर लगाए। और कोई भी अगर सेंसिटिव इंसान हो जो अंदर से बहुत कॉन्फिडेंस से उत्साह से जिसने बहुत अच्छा काम किया हो और उस तरीके से आप उसको एक आइसोलेट कर दें, उसको एक अंधकार में चारों तरफ अंधकार दिखे अपने और लगे कि कोई भी मेरे लिए नहीं है, कॉफ़ी विद करण में लोग उसका मजाक बना रहे हैं, क्वेश्चंस अजीब अजीब पूछ रहे हैं, इज़ रणबीर हॉट एंड सुशांत हॉट एंड लड़कियाँ कह रही हैं रणबीर इज़ हॉट एंड सुशांत इज़ नॉट एंड यू नो सब हंस रहे हैं और मजाक कर रहे हैं, तो आई थिंक कोई सेंसिटिव इंसान उसके लिए ज़िंदगी का अंत हो सकता है। अब मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आप लोग इन लोगों को गालियाँ दे रहे हैं, करण जौहर, आदित्य चोपड़ा, सलमान खान इत्यादि इत्यादि, मुझे लगता है इनको गाली देने से कोई मतलब नहीं है, ये एक सिस्टम है जो चला आ रहा है, ये सिस्टम उस दौर में भी था, ये सिस्टम आज भी है और ये सिस्टम फ्यूचर में भी रहेगा। जब तक ये सिस्टम को हम नहीं ख़त्म करेंगे ये नामों से कुछ नहीं होगा। हाँ इन नामों को मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप बेहतर इंसान बनने की कोशिश करिए, लोगों को बुली नहीं करिए, लोगों को पेट्रनाइज नहीं करिए, क्योंकि आप कलाकार हैं और कलाकार को अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये जो सब कुछ हो रहा है इसका जो चुनाव है वो दर्शकों के हाथ में है, आपके हाथ में है,
आपके हाथ में सबकी चाबी है। अगर आप अपना प्रतिनिधित्व ठीक से चुने, अगर आप अपने एक्टर्स, अपने आइकॉन्स को ठीक से चुने, तो ये माफिया, ये कार्टल नहीं हो सकता। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसके ऊपर आत्मचिंतन करेंगे और आगे से आप अपना चुनाव जो है वो बेहतरीन करेंगे। इससे आप खुद को भी बेहतर बनाएंगे और इस देश को भी बेहतर बनाएंगे। ये कह के मैं अलविदा कहना चाहता हूँ और आई होप यू ऑल पुट अ थॉट अबाउट इट। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। खुदा हाफिज़। नमस्कार। सत श्री अकाल। लव यू ऑल।